दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं, दोस्तों हम क्या करते हैं जब हम जितना भी इंडक्शन है दोस्तों, इंडक्शन में जब हम नया वाला बोर्ड दोस्तों इंस्टॉल करते हैं तो एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन दोस्तों आपको इसको फिटिंग करने के बाद दोस्तों इसको चालू नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको चालू करना है। तो क्या काम करना है, जैसे यहाँ पर हम नया वाला बोर्ड इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक तो प्रीसेट दिखेगा, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में है देख सकते हैं प्रीसेट, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये लगाना है, फिटिंग करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रीसेट है, इस प्रकार इसमें दोस्तों 501 का प्रीसेट लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो आपको इसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको चालू करना है। यहाँ पर आपको मल्टीमीटर ले लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 2K पर आपको सेट करना है, 2K, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका 3 ठो लेग होता है, देख सकते हैं, ठीक है, 3 ठो लेग है, 3 ठो, पहले 2 ठो और नीचे 1 ठो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक नंबर, ठीक है, और इसका दूसरा यहाँ पर आपको रखना है, इस प्रकार आपको चेक करना है। यहाँ पर कितना बता रहा है देख सकते हैं मल्टीमीटर पर, 260, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान देना है इसका जो हमारा पुराना वाला जो इंडक्शन था कितना वाट का है, ठीक है। आपका यदि 1600 वाट है, ठीक है, तो आपको सेट करना है 230 से लेकर 250 तक, इस प्रकार आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इस प्रकार थोड़ा सा घुमाना है रेगुलेटर की तरह, तो देख सकते हैं यहाँ पर 250 आसपास हो चुका है। ये दोस्तों 250 आपको रखना है, 1600 वाट है तो, और दोस्तों आपका 1800 वाट है तो आपको 250 से लेकर 270 तक आपको रखना है, ठीक है। इस प्रकार इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और आपका 2000 वाट या 2200 वाट का है तो आपको वही रखना है, 250 से लेकर 270 तक इसका रजिस्ट्रेशन का वैल्यू को आपको सेट करके रखना है, तब जाके आपको इसको चालू करना है। क्या होता है जब हम ये नया वाला जो बोर्ड लाते हैं, कंपनी तो सही करके देता है लोग दोस्तों आता है जब, लेकिन क्या होता है दोस्तों जब आता है तो कभी कभी ये जो रेगुलेटर की तरह जो ये काम करता है दोस्तों, ये मूविंग हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक भी, और कभी कभी भूल से भी ये मूविंग होकर आता है इस प्रकार, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा तो दोस्तों आपको ये दोस्तों 100% आपका IGBT उड़ जाएगा और दोस्तों आपका बोर्ड भी एकदम ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो को बनाए हैं, ठीक है, और इसका हम सेट अच्छे तरीके से किए हैं, 260 के आसपास रखे हैं, और आपको चालू करके भी दिखा देते हैं, एकदम सही से हम इसको काम किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चालू हो चुका है, यहाँ पर हम एक तो बर्तन भी रखते हैं और आपको दिखाते हैं चालू करके, ठीक है। ये वाला तो नहीं काम करेगा, ये वाला हमारा मैनुअल, देख सकते हैं 1600 वाट में भी ये दोस्तों बहुत ही जल्दी देख सकते हैं गर्म हो चुका है, देख सकते हैं तुरंत गर्म हो रहा है। दोस्तों आपको भी ये प्रीसेट को आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको दोस्तों इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, किस प्रकार तो करना है आपको वो बता दिए हैं वीडियो में। तो इस प्रकार इसको कंट्रोल करोगे तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है और ख़राब नहीं होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।